ओके, नाउ वी विल सी दी कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर इन मैट्रिक नोटेशन। अब हमने सेकेंड यूनिट में, जैसे हमने कहा था कि जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने किया है इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो आर स्क्वायर भी इसी यूनिट में है, एडजस्टेड आर स्क्वायर भी इसी यूनिट में है, तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी करेंगे कि आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो, हमने सेकेंड जो मैंने वीडियो सेंड की थी पहले, उसमें मैंने बताया था कि स्मॉल आर स्क्वायर जब टू वेरिएबल मॉडल होता है तब हमने स्मॉल आर स्क्वायर निकाला था, कितना था ई एस एस बाय टी एस एस, फॉर्मूला तो सेम रहेगा चाहे वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो या फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो, तो फॉर्मूला वही रहेगा। आर स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ई एस एस बाय टी एस एस इन टू वेरिएबल केस, ई एस एस की वैल्यू क्या थी, बीटा टू हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, ये लास्ट वीडियो में मैंने सब सॉल्व करके दिखाया हुआ है। इन थ्री वेरिएबल केस क्या होगा, बीटा टू हैट समेशन वाई आई एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री समेशन वाई आई एक्स थ्री आई समेशन वाई आई स्क्वायर। इन केस अगर के वेरिएबल मॉडल होता तो आप क्या करते, बीटा टू समेशन वाई आई एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री हैट समेशन वाई एक्स थ्री आई टिल बीटा के हैट समेशन वाई आई एक्स के आई नहीं। और यहाँ पर बस आप याद रखेंगे, ये सभी वैल्यू स्मॉल वैल्यूज चलेंगी, स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स चलेगा सब कुछ, अभी के वेरिएबल के ये जाएगा। अब यहाँ पर कहते हैं अगर आप इन सब का एक जनरलाइज्ड फॉर्म इसके निकालोगे या मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज स्मॉल वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर, वाई बार स्क्वायर मीन्स मीन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई ट्रांसपोज वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई है, देखो जैसे अभी इन्होंने बोला कि यहाँ पर ये वैल्यूज कैसे आई हैं, आपको पता है ई वाई समे टी एस एस की वैल्यू क्या होती है, समेशन वाई आई स्क्वायर यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, तो यहाँ पर कह रहे हैं आपको पता है वाई आई ट्रांसपोज इन टू वाई, ये क्या था जब मैंने बताया था, जब मैट्रिक्स फॉर्म में जब वाई ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है स्क्वायर, तो वाई ट्रांसपोज इन टू वाई करेंगे तो वो क्या आ गया आपका स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई, बट माइनस एन वाई बार स्क्वायर हम क्यों लिखते हैं, फॉर द करेक्शन ऑफ मीन, मतलब जो आप समेशन लगा रहे हो और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो, तो ये एन वाई स्क्वायर आपको ये याद रखनी है टर्म, या आप माइनस करेंगे इज नोन एज द करेक्शन ऑफ मीन, ये टर्म इसलिए है कि आप समेशन के लिए आपका समेशन के लिए टर्म हम ऐड करेंगे इसके माइनस करेंगे, दैट इज़ ये। अब जैसे आप इसका अगर देखना चाहो इसका पूरा चीज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में अपेंडिक्स में दिया हुआ है, नोट में दिया हुआ है कि समेशन वाई आई स्क्वायर क्या आया होता है, कैपिटल वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर को खोलेंगे तो हम क्या हो जाएगा, वाई आई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर, और टू वाई आई माई वाई बार हो जाएगा, बट वाई आई माइनस वाई बार वो जीरो हो जाएगी टर्म, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज की थी ओएलएस की वहाँ हमने शो किया था। तो ये वाई आई स्क्वायर ये तो बन गया यहीं से, यहाँ से ये वाई आई वाई बार, और ये कैसे बना है वाई आई स्क्वायर, देखो समेशन वाई आई स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको समेशन का मतलब क्या पता है, आपको समेशन को हम लिख सकते हैं एन इन टू वाई बार, मतलब हमने वाई बार को हमने एन टाइम्स प्लस किया वाई बार स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा ये एन वाई बार स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यानी कि हमने मीन ऑफ वाई को हमने एन टाइम्स ऐड किया है वाई मीन ऑफ वाई स्क्वायर को, तो ये क्या बन जाएगा एन वाई बार स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ से आई है, तो आप यहाँ पुट कर सकते हो इसका यही। सिमिलरली इसकी वैल्यू यहाँ से कैसे आई है, बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर, ये वैल्यूज इन्होंने निकाली नहीं है आपको, बस ये डायरेक्टली याद रखनी है, इसकी वैल्यू ई एस एस की वैल्यू क्या होगी इन मैट्रिक्स फॉर्म, बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी ये बस वैल्यूज पुट कर दिए यहाँ पर, यहाँ ट्रांसपोज नहीं लगाया इन्होंने, ट्रांसपोज लगाएंगे और बस ये वैल्यू पुट करिए, यानी कि ई एस एस बाय टी एस एस, ये हो गया आपका आर स्क्वायर इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये वैल्यू आप याद रखना चाहें याद रख सकते हो, याद ही रखनी है मेनली, तो जो क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सोल्यूशन नहीं मांगा हुआ इन्होंने, सिर्फ वैल्यूज की बात की गई है। अगर पेपर में आता तो आप आर स्क्वायर की पहले डेफिनेशन देंगे, टू वेरिएबल के हिसाब से बताएंगे, थोड़ा सा थ्री वेरिएबल के हिसाब से बताएंगे, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ आप इसका रिजल्ट को लिख कर आएंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी ये वैल्यू निकलती है।
चाहे तो आप इसकी जैसे आर स्क्वायर ई एस एस बाय टी एस एस है, तो आप जैसे यहाँ पर इन्होंने ई एस एस की वैल्यू अलग से लिखी हुई है, टी एस एस की वैल्यू अलग से लिखी हुई है, आप ऐसा करके दिखा सकते हो। इसका सोल्यूशन कहीं भी नहीं मांगा हुआ है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी।